मुझे पता नहीं हम सब की लाइफ स्टाइल क्या होगी, लेकिन उसमें कभी नहीं लिखा होगा कि हमने हार मान ली। जैसा कि आप सभी को पता है, BHU कॉन्सेप्ट, BA इंट्रेंस, CHS इंट्रेंस, MA हिंदी, BA LLB और LLB की तैयारी करवाती है। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि BHU कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट ई लर्निंग है, जो कि प्ले स्टोर पे आ चुका है। आप लोग जाइए प्ले स्टोर पे कॉन्सेप्ट ई लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा कॉन्सेप्ट ई लर्निंग। यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा चैट, यहाँ पे चैट कर सकते हैं आप हमसे। इसके अलावा यहाँ स्टोर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे स्टोर पे तो जितने भी कोर्स हमारे यहाँ ऑनलाइन चलती है, जिसका तैयारी करवाया जाता है, वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पे जाके आप लोग परचेस कर सकते हो। इसके अलावा और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी हमारे कोर्स के बारे में प्राप्त कर सकते हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BHU कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे BHU में हॉस्टल अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस है, पूरी डिटेल में हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी तक आप सभी को स्पष्ट पता चल गई होगी कि BHU कॉन्सेप्ट आपकी तैयारी को लेकर आपके हर मतलब अंतिम समय तक, जब तक आप BHU में पूरी तरीके से सेटल नहीं हो जाए, हर एक इंफॉर्मेशन जो आपको जरूरी है वो वीडियो बनाता है कि नहीं कमेंट में जाके बताइएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, पूरा शेयर कीजिए। और जो 2022 में आपकी जूनियर CUCT हो या BHU इंट्रेंस या DU इंट्रेंस में शामिल होने जा रहा है, उनको एक बार BHU कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि यहाँ बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हॉस्टल कैसे मिलेगा, पूरा डिटेल देखेंगे, और सबसे बड़ी बात मेरिट लिस्ट हॉस्टल के लिए कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस है, घर से कितनी दूरी होनी चाहिए, 80+20 का जो नियम है वो क्या कहता है, पूरा डिटेल देखेंगे। बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखिएगा। तो लेकिन हाँ, वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिए, लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग। चलिए इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ कंडीशन। देखिए सबसे पहला जो है, आप सभी के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि कितने रैंक वालों तक का हॉस्टल मिलेगा। देखिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बी ए आर्ट्स का, इसमें मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, इस अनुसार पे आप कॉलेज का भी या फिर MMB का भी, ये सब का पता कर लेना, ठीक है। देखिए FMC की मैं बात कर रहा हूँ, BA आर्ट्स में कितना सीट है, 900 सीट है। तो क्या सबको हॉस्टल मिल जाएगा, ये सवाल आता है ना, क्या सबको हॉस्टल मिलेगा? जी नहीं, हॉस्टल की जो सीटें हैं वो सीमित हैं। 15-20% स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है, यानी कहा जाए तो 150-200 स्टूडेंट को हॉस्टल मिलेगा 900 में। तो अब देखिए, अब यहाँ सवाल आया कि जिनका रैंक टॉप क्लास का होगा, यानी जिनका रैंक बढ़िया होगा, उनको हॉस्टल मिलेगा। और यहाँ पे जो एक सवाल आ रहा है कि सर, जो सेमेस्टर का एग्जाम है उसके अनुसार पे सेमेस्टर के जो CGPA है उसके अनुसार पे हॉस्टल मिलेगा? जी नहीं, आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जो आपका इंडेक्स आया था, जैसे किन्हीं का कितना आया, जो रैंक आया था, उसके हिसाब से आपको जो टॉप रैंकर आप होंगे, देखे होंगे हॉस्टल का अलग से रैंक बना था, संभवतः पिछले साल नहीं बना था क्योंकि कोविड के कारण BHU ऑनलाइन रन कर रहा था, अब पहली बार ऑफलाइन खुलने जा रहा है लगभग 23 महीनों के बाद। तो आप यहां तक समझ गए कि जो आपका एंट्रेंस में नंबर था उसी के आधार पे आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, जो अभी तक का नियम कहता है BHU का। कितने लोगों को मिलता है, तो अप्रोक्स 15-20%। हाँ, लेकिन हाँ, MMB की मैं बात करता हूँ तो MMB में अप्रोक्स आधा स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाता है, आधा स्टूडेंट को MMB में हॉस्टल मिल जाता है, क्योंकि MMB में क्या कंडीशन है आगे हम लोग देखेंगे। देखिए घर से दूरी, तो घर से दूरी वाला जो नियम है ना, 80+20, जैसे जो 80 नंबर आपका जो इंट्रेंस एग्जाम में जो नंबर आया है, उसके आधार पे 80 नंबर में मिलेगा। और ये जो 20 नंबर है आपका घर BHU से कितना दूरी है उसके अनुसार इस 20 नंबर में मिलेगा। टोटल ये 100 नंबर का हॉस्टल का प्रोसेस होता है। इस 100 नंबर में माना कि आपको इसके आधार पे नंबर मिलेगा, ये 80 नंबर इंट्रेंस एग्जाम में जो नंबर लाए हैं उसमें से है, और 20 नंबर घर से दूरी। जैसे कि बहुत स्टूडेंट केरल से BHU आते हैं तो उनको 20 में तो ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, इंट्रेंस में थोड़ा कम नंबर भी लाएंगे, तो इस आधार पे, जैसे कि जो बनारस के हैं, जिसका घर बनारस के BHU से 10 किलोमीटर के अंदर है, उनको हॉस्टल ही नहीं मिलता है,
ये भी आप लोग को पता होगा। तो ये कुछ कंडीशन है जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं अगले कुछ स्लाइड में, अगला स्लाइड क्या है देखिए। हाँ, ये भी देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ये जो है, ये जो 2020 इस 21 मेंटेनेंस एग्जाम नहीं है उनका ये ओपन होगा, और जो 2020 में दिए थे उनका ओपन ये नहीं होगा। इस बात को आप लोग को पता होगा, क्यों? क्योंकि अब 2020 वाला आ गया, वन वाला आ गया, तो ये अब नहीं दिखेगा। तो अब देखिए, अब आपके पास जो हॉस्टल है, हॉस्टल में मेरिट लिस्ट आएगा, जिसे आपके एंट्रेंस एग्जाम का जो नंबर है, घर कितना दूरी है, उसके अनुसार पे एक लिस्ट यहाँ पे तैयार होगा बीएचयू की ओर से, बीएचयू प्रशासन की ओर से हॉस्टल के लिए। तो जो लिस्ट तैयार होगा उसमें स्टूडेंट का नाम आएगा, जिस का नाम आएगा उसको हॉस्टल मिलेगा, और वो जो लिस्ट है आपके हॉस्टल में लगेगा, और वो लिस्ट को मैं आप लोग के पास पहुंचा दूंगा। इसीलिए चैनल के साथ बने रहिए, किसको किसको हॉस्टल मिलेगा। अभी फिलहाल बीएचयू ओपन हो गई है थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए, तो आप लोग यहाँ आके रहिए, और हॉस्टल का प्रोसेस धीरे धीरे होगा क्योंकि अब ओपन हो चुका है बीएचयू, तो अब सब प्रोसेस होगा, यानी लिस्ट बनेगा आपके, और लिस्ट अब तो क्योंकि यहाँ पे दिखेगा नहीं, आपके डैशबोर्ड पे दिखेगा नहीं हॉस्टल अलॉटमेंट वाला। हो सकता है कि इन लोग ओपन करें, लेकिन अब देखिए अब बहुत मुश्किल है कि इन लोग यानी बीएचयू की ओर से ओपन किया जाएगा। लेकिन हाँ, आपका लिस्ट लगेगा हॉस्टल में, और लिस्ट को आपके सामने जैसे शेयर हो जाता है, जैसे लगेगा वो आपके पास पहुंच जाएगा, जिसका नाम आएगा वो वहाँ पे, या फिर आपके जो मोबाइल नंबर दिए होंगे वहाँ पे आपको मैसेज चला जाएगा कि आपको हॉस्टल अलॉट हुआ है। उसके बाद हॉस्टल का प्रोसेस है, हॉस्टल में रहने के लिए फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है। तो ये कंडीशन रहा। अब देखिए कंडीशन ये है कि देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट जनरल हैं या EWS हैं, EWS या OBC, वो सोचेंगे कि सर OBC का अलग से नहीं, इन सभी को हॉस्टल के लिए कोई अलग से नहीं मिलता है, सबको एक प्रकार से। लेकिन SC ST के लिए अलग से कैटेगरी, अलग से इन लोगों को हॉस्टल मिलता है कोटा के तहत। लेकिन जो OBC से हैं, EWS से हैं, उनके लिए अभी ऐसा नियम नहीं है BHU में। लेकिन यहाँ जो है कुछ सीनियर जो आपके उनके द्वारा ये मांग उठाया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ है। जनरल EWS OBC को सबको एक प्रकार ही मिलता है। अब देखिए एक कमरे में कितने स्टूडेंट रहेंगे, तो कोविड काल के दौरान जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट के लिए ओपन हुआ था हॉस्टल, तो एक कमरे में एक स्टूडेंट रहते थे। लेकिन कहा गया है कि पूरी तरीके से 100% जैसे मतलब पहले हुआ करता था वैसे होगा। देखिए होता क्या है कि जो बॉयज हॉस्टल है उसमें एक स्टूडेंट को, एक कमरे में दो स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन एमएमबी की मैं बात करूं तो एक रूम में चार स्टूडेंट रहते हैं। आप कहेंगे सर चार को यहाँ पे बकलोली रह गए, लड़ाई झगड़ा होगा, पढ़ाई किससे करें? रूम भी बड़ा होता है जी, रूम भी बड़ा होता है, चार बेड लगा होता है, इसलिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। ओके, और बॉयज वाले में दो लोग एक रूम में रहते हैं, और MMB में कितने, चार बकलोली एक साथ। बाप रे बाप, कैसे मेरा एडजस्ट करेगी चार बकलोली एक साथ। चलिए जो भी हो, ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो रहा। जो भी स्टूडेंट 2022 में तैयारी करना चाहते हो, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 739-50-55-199 में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में जाके बताइए। मैंने अपनी ओर से 100% दे दिया इस वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।